हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर 4 एग्रीकल्चर के क्वेश्चन आंसर्स। और इसका जो चैप्टर एक्सप्लेनेशन है वो ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ प्लांट टू अ फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो 3 टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटी बतानी है। देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती हैं, जब भी इकोनॉमिक वर्ड आ जाए ना तो मतलब वहाँ पे पैसे का रिलेशन ज़रूर आता है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी होती है जिससे आप कुछ बनाते हैं और उसकी हेल्प से आप लोग पैसा कमा सकते हैं। तो फैक्ट्री में जो सामान आता है उससे पहले सारी स्टेजेस बतानी है कि किस तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, क्या क्या होती हैं। तो देखिए, 3 टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ प्लांट टू अ फिनिश्ड प्रोडक्ट। प्लांट से मान लीजिए आपने आम उगा आपके पेड़ पे, फिर आम जो है फिर वो बाजार में बिकता है, ठीक है। तो प्राइमरी एक्टिविटी क्या हो गई कि आपने खेती करके आम उगाया। सेकेंडरी एक्टिविटी क्या हो गई, सेकेंडरी एक्टिविटी आपने उसको फैक्ट्री में भेज दिया, फैक्ट्री से आम की टॉफ़ी बन गई, आम से जैम बन गया और आम से आम का पन्ना बन गया, बहुत कुछ बनता है, मैंगो जूस बन गया है ना। तो ये होती है हमारी सेकेंडरी एक्टिविटी जिसमें फैक्ट्रियों में काम होता है। टर्शरी एक्टिविटी सर्विसेज से रिलेटेड होती है, जैसे कि आप ऐड देखते हैं ना कि भाई मैंगो जूस ले लो और मैंगो की टॉफ़ी खरीद लो, तो ये सर्विसेज सेक्टर में आ जाता है, तो ये टर्शरी एक्टिविटी हो जाती है। तो फार्म से लेकर के फैक्ट्री से लेकर के फिर उसकी सर्विसेज में उसको उसकी मार्केटिंग करना, उसको बेचना, ये सारी की सारी 3 एक्टिविटीज़ हमारी होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर सेकेंडरी एक्टिविटीज़ कंसर्न्ड विद। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ जो होती हैं उससे आप क्या समझते हो, वो क्या करते हैं। तो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ आर कंसर्न्ड विद द प्रोसेसिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, बेकिंग ऑफ ब्रेड, शुगर मेकिंग फ्रॉम शुगर केन। तो देखिए, जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ होती है ना, इसमें जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती है, जो सामान हमें खेती से मिलता है या फिर जो मिनरल्स हमें ज़मीन से मिलते हैं उनकी प्रोसेसिंग होती है, उनमें से कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाया जाता है जिनको हम फर्दर आगे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल दिया गया है, स्टील की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, ब्रेड बनाई जाती है। ब्रेड किससे बनती है, देखिए ब्रेड बनती है आटे से। तो आटे से क्या बनता है, गेहूं उगता है खेतों में, फिर गेहूं जाता है फैक्ट्रियों में, प्रोसेसिंग होती है, आटे से मैदा निकलती है, फिर मैदा से ब्रेड बनती है। ऐसे ही शुगर, चीनी कैसे बनती है, शुगर केन से, गन्ने से बनती है, और वो फैक्ट्री में होती है। तो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में ना ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ में या फिर फैक्ट्रीज़ में काम किया जाता है, जो नेचुरल रिसोर्सेज या फिर जो हमारे फार्म प्रोडक्ट्स होते हैं उनका इस्तेमाल करके कुछ नई चीज़, अलग चीज़ बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग से आप क्या समझते हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ अ टाइप ऑफ फार्मिंग इन विच पेस्टिसाइड्स एंड मैन्योर इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ केमिकल्स। डंग, प्लांट वेस्ट, फॉलन लीव्स एक्सेट्रा आर एन एक्सीलेंट ऑर्गेनिक मैन्योर। तो देखिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है ऐसी टाइप की फार्मिंग जिसमें जो फैक्ट्रीज में बने हुए केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, इन सब का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जो नेचर में हमें चीज़ें मिलती हैं ना, जैसे कि काऊ डंग हो गया, और जो पत्तियाँ ज़मीन में गिर जाती हैं, और जो प्लांट वेस्ट होता है, एनिमल वेस्ट होता है, उन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके खेती की जाती है, जिसमें हम लोग बाहरी जो आर्टिफिशियली ह्यूमन ने लेबोरेटरीज़ में या फिर फैक्ट्रीज़ में बनाई है उन चीज़ों का इस्तेमाल ना किया जाए, नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए, तो वो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। अब हमें टिक द करेक्ट ऑप्शन वाले हैं कि एग्री इन लैटिन। एग्री का लैटिन में मतलब क्या होता है, तो एग्री का मतलब होता है, अगर हम लैटिन भाषा की बात करें तो सॉइल, मिट्टी। कॉमर्शियल रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म को हम सेरीकल्चर कहते हैं। रियरिंग का मतलब होता है पालना, कॉमर्शियल का मतलब होता है पैसे कमाने के लिए। अगर सिल्क वॉर्म को, सिल्क के कीड़े को पाला जाए तो उसे हम सेरीकल्चर कहते हैं। डैश एग्रीकल्चर इज़ नोन एज स्लैश एंड बर्न। तो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को हम शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कहते हैं। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इज़ नोन इन नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को हम क्या कहते हैं, झूमिंग। देखिए, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में क्या होता है कि एक लैंड था जिसमें पेड़ उगे हुए थे, फॉरेस्ट था, जंगल था, अच्छा खासा जंगल को काटा, फिर उसको जलाया, फिर उसके बाद उसके ऊपर खेती की जाती है, इसको स्लैश एंड बर्न या फिर झूमिंग एग्रीकल्चर नॉर्थ ईस्ट में कहते हैं। अब एग्रीकल्चर क्या होता है, व्हाट इज़ एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर मींस कल्टीवेशन ऑन द सॉइल, राइजिंग क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइव स्टॉक। तो एग्रीकल्चर का मतलब होता है जो सॉइल होता है उस पर
फसलों को उगाना, लाइफ स्टॉक को पालना, लाइफ स्टॉक का मतलब होता है जो गाय भैंस होते हैं ना, इनको लाइफ स्टॉक बोलते हैं, रियरिंग लाइफ स्टॉक, रियरिंग का मतलब होता है पालना, जानवरों को पालना दूध के लिए और इन सब चीज़ों के लिए, और फसलों को उगाना, इसको हम एग्रीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर। फैक्टर्स बताने हैं चीज़ें जिससे एग्रीकल्चर प्रभावित होता है, एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर की हेल्प करता है या उसको नुकसान करता है या ये सब चीज़ें, तो क्या होते हैं फैक्टर्स, क्या होते हैं? तो फेवरेबल टोपोग्राफी, सॉइल एंड क्लाइमेट, टेम्परेचर, रेनफॉल, डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, लेबर, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट एग्रीकल्चर। तो देखिए, टोपोग्राफी का मतलब होता है कि लैंड कैसा है, लैंड आपका प्लेन्स में आप रह रहे हैं, माउंटेन्स में रह रहे हैं, प्लेट्यूज़ में रह रहे हैं, या फिर आप आइलैंड में रह रहे हैं, तो वो सारी की सारी होती है टोपोग्राफी की, आपका लैंड कैसा है, फिर लैंड के ऊपर की सॉइल कैसी है, मिट्टी सबसे ज़्यादा जो उपजाऊ मिट्टी होती है जिसपे सबसे अच्छी फसल उगती है वो होती है एलुवियल सॉइल, तो एलुवियल सॉइल, तो मतलब सॉइल पे भी डिपेंड करता है एग्रीकल्चर, और अलग अलग सॉइल में अलग अलग तरीके की फसलें होती हैं। क्लाइमेट, क्लाइमेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई गर्मी में क्या होते हैं, आम आते हैं, और गर्मी में ही हम लोग जो है धान उगाते हैं, चावल उगाते हैं, है ना, और सर्दियों में गेहूँ उगाते हैं, तो क्लाइमेट पे बहुत डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कैसा है, गर्मी है, सर्दी है, बारिश कितनी हो रही है, जैसे कि चावल को पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है और गेहूँ को ठंडा मौसम चाहिए होता है, और डिमांड लेबर, अब उगाएगा कौन फसल, लेबर ही तो उगाएगी ना, और लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी कैसी है, मतलब आप हथौड़े का और हल का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर आप ट्रैक्टर्स का, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जिससे हमारा एग्रीकल्चर जो है वो इन्फ्लुएंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन, व्हाट आर इट्स डिसएडवांटेजेस। शिफ्टिंग कल्टीवेशन मैंने आपको पहले भी बता दिया था, अभी फिर से इसमें बताएंगे कि वो क्या होता है और इसके नुकसान क्या होते हैं, डिसएडवांटेज का मतलब नुकसान क्या होते हैं। तो देखिए, इसमें अ प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर्ड बाय फॉलिंग द ट्रीज एंड बर्निंग देम। तो एक लैंड होता है जिसमें पेड़ लगे होते हैं, उसको काट दिया जाता है, फिर उसको जला दिया जाता है। एशेज आर देन मिक्स्ड विद द सॉइल एंड क्रॉप्स लाइक मेज पोटैटो आर ग्रोन। फिर जो ऐश, आपने कोई चीज़ जलाई तो उसके बाद ऐश बचती है, ऐश का मतलब होता है राख, फिर जो राख होती है ना उसको मिट्टी के साथ मिक्स करा जाता है, और क्रॉप जैसे कि मक्का, मेज होती है ना मक्का, जैसे पॉपकॉर्न खाते हैं जिसके आप, तो मेज पोटैटो आलू उगाए जा सकते हैं। आफ्टर सॉइल लूजेज इट्स फर्टिलिटी द लैंड इज अबेंडेंड एंड द कल्टिवेटर मूव्स टू अ न्यू प्लॉट। तो फिर जब एक 4-5 साल आपने उसमें फसल उगा ली, फिर क्या होता है उसकी फर्टिलिटी, उसकी जो उपजा फसल उगाने की क्षमता लैंड की कम हो जाती है, तो उसको अबेंडन कर देते हैं। अबेंडन का मतलब होता है उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं और फिर आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, कोई नया प्लॉट पे काटते हैं, चलाते हैं और फिर उगाते हैं फसल ऐसे करके। अब इसके नुकसान क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, देखिए सबसे पहला तो आपने पेड़ काटे तो डिफॉरेस्टेशन हो गया, फिर क्या होता है सॉइल इरोजन, पॉल्यूशन और रेनफॉल कम हो जाती है। तो डिफॉरेस्टेशन होता है, अगर देखिए पेड़ काटेंगे तो आप रेनफॉल तो कम होगी ही होगी। पोल्यूशन, देखिए आपने कोई चीज़ जलाई, जलाते हैं तो धुआं निकलता है, धुएं से क्या होता है पोल्यूशन होता है। सॉइल इरोजन कैसे होता है, देखिए जो पेड़ होता है ना, पेड़ अपनी जड़ों में ना मिट्टी को बांध के रखते हैं, और अगर आप पेड़ काट देते हैं ना तो उसकी वजह से मिट्टी बहुत ही आसानी से आगे की तरफ बह जाती है हवा के साथ, पानी के साथ, तो सॉइल इरोजन भी होता है। तो डिसएडवांटेज डिफॉरेस्टेशन, पोल्यूशन, सॉइल इरोजन और रेनफॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट इज़ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होता है, देखिए प्लांटेशन का मतलब होता है कि एक बहुत बड़े लैंड पे एक ही तरीके की फसल उगाना, उसको मेनली बेचने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, ये होता है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो देखिए, प्लांटेशंस आर टाइप ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग वेयर सिंगल क्रॉप टी, कॉफ़ी, शुगर केन, कैशो, रबर आर ग्रोन। लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड मनी आर रिक्वायर्ड। द प्रोड्यूस मे बी प्रोसेस्ड ऑन द फार्म इटसेल्फ और इन द नियर बाई फैक्ट्रीज। तो बहुत ही बड़े बड़े लैंड पे, बहुत बड़े लैंड पे जैसे कि टी, कॉफ़ी, शुगर केन ये सब उगाते हैं, कैशो जो हमारा काजू होता है, रबर ये सब उगाए जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा पैसे की भी ज़रूरत होती है, बहुत लोगों की इसमें काम करने की ज़रूरत होती है, और ये फैक्ट्री में इसकी जो प्रोसेसिंग हो जाती है तो फैक्ट्री में ही हो जाती है, या फिर जो है वहीं लैंड पे हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फाइबर क्रॉप्स एंड नेम द क्लाइमेटिक कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर देयर ग्रोथ।
तो हमें फाइबर क्रॉप मतलब जो धागे जैसे कि क्रॉप होती है वो बताना है, कौन 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 सी होती है, कंडीशन जो क्लाइमेट की कंडीशन होती है जो इस तरीके की क्रॉप को उगाने के लिए ज़रूरत होती है वो बताना है। तो देखिए फाइबर क्रॉप्स आर द कॉटन जूट, कॉटन जूट जो होते हैं वो हमारे फाइबर क्रॉप होते हैं, क्योंकि देखिए कॉटन से क्या होता है कपड़ा बनता है, जूट से भी क्या होते हैं कपड़े, जूट के बैग्स होते हैं, है ना। तो कॉटन जूट ये सब है ना, ये फाइबर क्रॉप होती हैं। और क्लाइमेटिक कंडीशन जो रिक्वायर्ड होती है इनकी ग्रोथ के लिए, तो कॉटन के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, हल्की रेनफॉल, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, फ्रॉस्ट होते हैं हमारी जो ओस पड़ती है ना, तो 210 दिन ऐसे होने चाहिए जिसमें कोई भी ओस ना पड़े बिल्कुल भी। तो टेम्परेचर हाई होना चाहिए, गर्मी होनी चाहिए, हल्की रेनफॉल, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन एंड ब्लैक सॉइल फॉर इट्स ग्रोथ। तो हमने देखा, मैंने बताया था ना आपको अलग अलग फसल के लिए अलग अलग मिट्टी की ज़रूरत होती है। तो कॉटन सबसे अच्छी उगती है काली मिट्टी में, ब्लैक सॉइल में, और काफ़ी अच्छा टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होता है, 210 दिन ऐसे होनी चाहिए जिसमें बिल्कुल भी बर्फ़ वो ना पड़े, ओस वगैरह भी ना पड़े, इस तरीके का टेम्परेचर चाहिए होता है। और फाइबर क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं, कॉटन और जूट। जूट देखिए, इट रिक्वायर्स अलूवियल सॉइल, हायर टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। तो जूट में क्या चाहिए होता है, अलूवियल सॉइल चाहिए होती है, कॉटन में ब्लैक सॉइल। जूट में भी देखिए हाई टेम्परेचर, और मगर कॉटन में लाइट रेनफॉल चाहिए, जूट में बहुत ज़्यादा रेनफॉल चाहिए, हैवी रेनफॉल चाहिए, और ह्यूमिड क्लाइमेट। ह्यूमिड क्लाइमेट का मतलब होता है जब हवा में नमी होती है ना, तो उसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं, मतलब हवा में पानी होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है इसमें जूट उगाने में। गिव रीज़न दे रहे हैं, इन इंडिया एग्रीकल्चर इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी क्यों है इंडिया में एग्रीकल्चर, बिकॉज 2/3 ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। इंडिया की लगभग 2/3 आबादी, 2/3 लोग, मतलब जैसे कि 100 में से 66% लोग आज भी खेती पे मोस्टली डिपेंडेंट हैं। तो प्राइमरी एक्टिविटी हो गई, मेन एक्टिविटी हमारे देश की हो गई। डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन, डिफरेंट रीजन में अलग अलग क्रॉप क्यों उगती हैं, तो हमने देख लिया था क्लाइमेट अलग होता है, टोपोग्राफी अलग होती है, सॉइल अलग होती है सारे रीजन्स की। तो क्लाइमेट, टोपोग्राफी, सॉइल सारे रीजन्स की अलग अलग होती है, इसलिए अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरीके की फसलें, क्रॉप्स उगाई जाती हैं। रीजन मतलब इलाके अलग अलग है ना, एरिया। तो हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है अभी वाला। नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश करना है, डिफरेंस बताना है प्राइमरी एक्टिविटी में और टर्शरी एक्टिविटी में। तो देखिए प्राइमरी एक्टिविटीज़ इंक्लूड ऑल दोज कनेक्टेड विद एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, फिशिंग, गैदरिंग आर गुड एग्जांपल्स। तो जो हम लोग खेती करके उगाते हैं फसलें, ज़मीन से निकालते हैं खेती कर करके, है ना, तो उसको हम प्राइमरी एक्टिविटी कहते हैं। और टर्शरी एक्टिविटी होती हैं, टर्शरी एक्टिविटीज़ प्रोवाइड सपोर्ट टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर थ्रू सर्विस, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बैंकिंग आर एग्जाम्पल। तो हम लोगों ने देख लिया था जो प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटी के जो सर्विस सेक्टर में आ जाता है ना, जैसे मार्केटिंग करना, सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजना, बैंकिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, ये सब। अब सब्सिस्टेंस एंड इंटेंसिव फार्मिंग, तो सब्सिस्टेंस होती है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज प्रैक्टिस टू मीट नीड्स ऑफ फार्मर्स फैमिली, ट्रेडिशनली लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हाउस होल्ड लेबर आर यूज टू प्रोड्यूस ऑन स्मॉल आउटपुट। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो होती है वो फार्मर की मेनली फैमिली की नीड को पूरा करने के लिए हम लोग करते हैं, और इसमें टेक्नोलॉजी भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती है, और काफ़ी छोटा लैंड पे और कम आउटपुट मिलता है। इंटेंसिव फार्मिंग होती है, इसमें स्मॉल प्लॉट होता है लैंड का भले ही, मगर सिंपल टूल्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा लेबर और इरिगेशन, फर्टिलाइजर्स वगैरह का इस्तेमाल करके ये वाली फार्मिंग, इंटेंसिव फार्मिंग की जाती है। तो चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हो गए, थैंक यू।